अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं JDC के पास जानवरों का दीदार करने के लिए। और रजन थोड़ा हल्के आराम से पहुँचो सर। अच्छा, गैर मुल्की ऊँट डर जाएंगे, थोड़ा आराम से। हाँ, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साज शाह। और वालिद साहब के सामने नहीं करते हो, अपने हाथ खोल लो। हाँ, नॉर्मल जैसे आप बोलते हैं। हाँ, अच्छा, मजाक बहुत हो गया, बहुत मजाक है, सीरियस। तो फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरा नाम है साज शाह, जो कि मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूँ आपको, अपने दिमाग में ये नाम डाल लें। और ये है हमारे, ये है जानू समी, मैं ही हूँ। तो बेसिकली आज का हमारा मोटिव यहाँ पे आने का, हम आपको थोड़ा सा बता दें, वो यही है जो कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमने सोचा कि कवरेज जानवरों की दें। वैसे तो मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि आज जो है हम जानवरों के बारे में बताएंगे। और बकरीद का मौका है और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैर मुल्की ऊँट मौजूद है। कहाँ पे आए हुए हो ये तो बता दो। अरे JDC बता चुके। JDC क्या कहते हो समी भाई? JDC जो काम कर रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ी अगर NGO नंबर वन ट्रेंडिंग पे अगर कहा जाए तो ये JDC है, जो कि नो डाउट है। और हर काम में माशाल्लाह आगे रहते हैं ये। हर साल बकरीद के ऊपर अच्छी खासी कुर्बानी करते हैं और बहुत खूबसूरत और यूनिक किस्म के जानवर आते हैं। तो आज हम यहीं आए थे देखने के लिए, दो कोहान वाले ऊँट सुनाए आए हुए हैं, एक छोटी गाय आई हुई है, एक बकरा आया हुआ है, आंडू भैंस, एक भैंस आई हुई है काली, जो कि कैमरामैन के पीछे रखी हुई है, बाकी और काफ़ी सारे जानवर। कैमरामैन के आगे भी भैंस है, साथ में बकरा भी है। तो बहरहाल ये है, तो आइए चलते हैं और फिर देखते हैं कि JDC में इस वक्त तक आज की डेट के अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे आ चुका है जानवर, उन सबको डिस्क्लोज। आज की डेट में तो खैर यही जानवर आया है। घर चलें, डेट देख लिया आप लोगों ने? ये है दो कोहान वाला ऊँट। खैर अभी तो काफ़ी गंदा सा हो रहा है। साथ में किस कंट्री का है ये? ये स्पेशली जो है सऊदी अरब से इम्पोर्ट करा है। अच्छा, इसको? और ये ऊँट की कहते हैं ना वो जो आला नस्ल होती है उसमें से एक है। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों इस वक्त एक ही उसके हैं, क्या कहा जाए, ब्रांड के। साथ भाई यार, ये जो ऊँट हैं इसकी क्या अमाउंट होगी, मतलब अंदाजन कितने तक के होंगे यार? यार ये वैसे तो इसके जो रेट हैं कम से कम भी जिस नस्ल के 15 लाख से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, 15 लाख से स्टार्ट होते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है ये 20 तक जाते हैं, ठीक है। तो बस ये वो डिपेंड करता है कि यहाँ ये वाला कितने का है भाई, इनको किसी ने चूना लगाया है तो ये 25 लाख का होगा, और अगर इनको किसी ने वारे में दिया है तो 15 लाख का होगा। बहरहाल 15 से स्टार्ट है रेट। क्या कहोगे, बकरीद पे आओगे इसका गोश्त लेने के लिए? अरे बिल्कुल आएंगे भाई, यार ये बातें रिकॉर्ड थोड़ी की जाती हैं। ये देखिए आप, ये जनाब इसकी शक्ल से ही बहुत खतरनाक लग रहा है, और इस बकरी मेरे पाँव में टकरा रही है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त है ये दुम्बा, ये पता नहीं कौन सी नस्ल का बहरहाल दुम्बा है, लेकिन ये बहुत तंदुरुस्त दुम्बा है। अपनी ज़िंदगी में इतना भारी दुम्बा मैंने नहीं देखा। इतना भारी तुम खुद नहीं हो, कहाँ से इतना भारी देखोगे। He is not Dumba. He is पहाड़ी बकरा। ये अभी मुझे सुनने को आई नॉलेज। ये अच्छा, कौन कह रहा है ये आपसे? या एक बंदा कह रहा है। अच्छा, ये वो दुम्बे हैं जो कि मंडी में बोलते हैं अभी ले जाओ इनके सामने शरीफ बन दो, घर जाके ना इनकी बजाता हूँ मैं टाइट तरीके। और फिर इसी के आगे हैं जनाब ये लंबी लंबी सींगों वाली काफ़ी बकरे, बहुत अलग नस्ल है। खैर इनके बारे में मुझे नस्ल वगैरह के बारे में तो मालूम नहीं है। ये केज बना हुआ है जिसके अंदर ये कम्प्लीट ये सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर यही ब्लैक एंड वाइट नस्ल जो है ये हैं, बहुत खूबसूरत अच्छी नस्ल के हैं ये बकरे सारे। इन बकरों की जो सबसे पहली बड़ी जो खासियत है ना वो ये है कि ये बकरे हैं ये। अच्छा, हाँ, और ये बकरे हैं, और ये जो नस्ल जो है ना इनकी वो बहुत आला है। बस बहुत आला है। हाँ, बहुत आला नस्ल है, कुछ नहीं पता। और ये मैं मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बियर गिल्स तुम्हें दिख रहा हूँ। चलिए जी, ये सात भाई को, हाँ दिखाओ दिखाओ शक्ल, दिखाओ शक्ल, दिखाओ सात भाई की, दिखाओ सात भाई की शक्ल देखो। मैं ये सात भाई हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के इंसान हैं, तुर्कुत वाले बियर, और बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है। हाँ, ये देखें आपकी बात सुन के तुम बकरा खड़ा हो गया, बोला मैं जा रहा हूँ, मेरे कान में दर्द हो गया। ये आ गया साध, ये जनाब ये है साध, ये आप देख रहे हैं बालों की दुकान, ये इस वक्त साध साहब हैं यहाँ पे भाई, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये बहुत फुर्रेंट होकर देख रहे हैं भाई, ये इनकी सींगे साथ के ऐसे पीछे बाल जाते हैं ना, साथ भाई पीछे घूमना थोड़ा सा बालों को अपने, ये देखें और ये देखें आप,
सींग भी एक निकला, ये इनके दो सींग हैं और इनकी भी ऐसी पीछे दुम बनी हुई। तो जनाब ये है बालों वाला साध, ओ सॉरी बालों वाला बकरा। अच्छा यहाँ पे, ओ माशाल्लाह, यहाँ पे जनाब एक और दुम्बा है कोई, इसके कितने यार ये इसका मुंह मुझे अजीब सा लग रहा है। किसके मुंह में मिल रहा है ये? फाद भाई के मुंह में तो नहीं मिल रहा यार, ये गलत बात कर दी ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये शरीफ नहीं है, ऐसे ये दिखता शरीफ। ये देखो इसका मुंह, पीछे कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ यार, इसका मुंह मुझे ना अजीब लग रहा है थोड़ा सा यार। अजीब सा क्या मतलब? इसका सर जो है ना, तुम देखो ऐसा लग रहा है कि दिमाग ज्यादा बड़ा, ये नस्ल है दूसरी है या ये मुंह खराब है? बहुत छोटा सा इसका मुंह है यार। बहरहाल यहाँ चलो इस पे बाद में बात करेंगे, पहले अबे ये चार सिंह वाले, ये चार सिंह वाला दुम्बा है ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ। ये देखें ऊपर से, इसका नाम अगर हम चार सिंह रख दें तो गलत नहीं होगा। ये ऊपर से फूल नहीं लग रहा? ये देखें, हाँ ये फूल ही है। हाँ ये दुम्बा है, फूल भी है और ये तलवार भी लग रही है। चलें जनाब और आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पीछे बकरी है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं साथ भाई? ये बड़ा बेचारा शरीफ बकरा, ये पगुला, आ जाओ बच्चों 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 बच्चों। ये बच्चों का एक तना है, यहाँ पे इंजॉयमेंट पार्क बन चुका है एक तरह से, छोटा सा यानी कि समझ लें कैटल पार्क, कैटल फॉर्म बन गया। ये रहा वो मासूम, थक गया बेचारा प्यार करवा करवा के, उसके मीन भी कर लीजिए अगर तुम। ये देखें राजा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर है और दिखने में इसका बहुत अजीब है, बहुत अलग ही शेड है इसका है। ये जो है, अच्छा ये जो जानवर है ये बहुत ज़्यादा हैवी है और ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। और ये भी ऑस्ट्रेलियन नस्ल की जो खासियत है वो ये होती है कि हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है और मासी तो ये वैसे ही है, तो ये बहुत बल्कि जानवर है। अभी ये बैठा हुआ है, हमारी कोशिश यही थी कि खड़ा करके इसको दिखाते हैं, लेकिन खैर जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए तो इसलिए। और ये भी माशाल्लाह जान बहुत यानी कि अलग और लगाए, ये देखो माशाल्लाह ये बहुत हैवी जानवर इस समय यहाँ लग रहा है। ये इसको मेरे कैमरा में भी नहीं आ रहा, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे जाने के लिए। ये देखें जनाब ये आया पूरे आप कैमरे साथ भाई, मेरे हिसाब से 160 का होगा। अगर ये 160 का है तो मैं अभी लेके जा रहा हूँ इसको। बच्चों की पावर देखो, बच्चों की हिम्मत देखो साथ भाई। अच्छा, करना अच्छा, अच्छा मुझे डर लग रहा है साथ भाई, जाना तुम्हें कुछ करेगा। ओहो मैं डरता नहीं हूँ, ये नहीं डरते। ये देखें और यहाँ पर ये एक और जानवर माशाल्लाह से भी बहुत खूबसूरत, काफ़ी बच्चे फैमिली वगैरह यहाँ पे आई हुई हैं। हाँ तो भाई अब फाइनली हम इसके पास भी आ गए, हमने सोचा गरीब बेचारे को भी दिखा दो यूनिक, तो अपने मजे में लेटा हुआ भाई। यूनिक जानवर तो हमने बहुत दिखाए, ये वो गरीब नहीं होते जो बाड़ों में होते हैं, कोई इज्जत नहीं होती इनकी। ये वो है बेचारे जो बिला वजह में पिट रहे होते, लेकिन यहाँ पे ये भी चौड़े में, इनकी अदाएं देखे आप, इनका एटीट्यूड देखे क्या चौड़े में बिल्कुल ना लेटे हुए। छोटी टांग वाली भैंस है ये, अभी इसकी टांगे छोटी हैं, इसकी टांगे छोटी हैं, ये तो हमने देखा ही नहीं। मेरे ख्याल से ये जो है ना ये एबनॉर्मल है, ये खड़ा नहीं हो सकता। बालों में ना ब्लैक सनस्क्रीन लगाओ भाई, हेयर स्प्रे लगाया भाई, ये स्पेशल, ये जो है ना स्पेशल बुफेलो है। तो जनाब इस वक्त जो है एक बहुत कोई भारी वेट का भैंसा यहाँ पे मौजूद है, जो को आपको कैमरा मैन अगर दिखा सके तो आप देखें, वाकई बहुत ज्यादा वेट होगा। बहुत अच्छी होस्टिंग में कर रहा हूँ, वेट बहुत ज्यादा है मेरा नहीं। अच्छा, भैंसे का दिखाओ। हाँ ये इस भैंसे का भी साथ भाई, इसकी लात आप ही की तरफ है, अगर इसकी एक लात भी आपको पड़ गई ना आपकी रीढ़ की हड्डी घुटनों में आ जाएगी। यार बहुत गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है भाई, बहुत गंदा लग रहा है। तो ये है जनाब वो भैंसा, कैमरा मैन अगर आपको करीब से दिखा सके तो दिखा दे भाई, उसकी मेहरबानी हो जाएगी। दिखाएंगे आप प्लीज भैंसा दिखाया जाए, प्लीज भैंसा देखो। ये देखो ये दुम मारने शुरू हो गए भाई, इसको गुस्सा आ गया, दूर हो जाओ। तो ये जनाब भैंसा भरपूर यानी कि, अच्छा ये अलग अलग मस्कुलर है यार, इसका पीछे का अलग है और आगे का अलग है। तो जाहिर सी बात है, क्या ये भी आगे होगा, मुंह नहीं होगा? नहीं भाई मतलब ये मतलब ये जैसा है आगे से भी ऐसा ही हो, दोनों तरफ से मुंह का पता ही नहीं है, मुंह तो होगा। अच्छा और आगे क्या है भाई, और आगे आ जाएंगे अगर? अच्छा वो गरीब का बच्चा आगे है, कैमरामैन थोड़ा सा आप अगर भैंस के पीछे से गुजार सकते हैं यार, ये बहुत जोर से दुम मार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये देखिए भाई ये पूरा भैंसा है, और ये जो है इसका बल्कि मांस आप चेक करें, बहुत मांस है, ये शुरू होता है और खत्म होने का पता ही नहीं है, सदर तक जा रहा है। हाँ, आप इसको जो है ना जबा करें साथ, तुम दिख गए। अच्छा आजो, 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 आजो। ये है जनाब बकरा, तो ये देखिए नस्ली किस्म का ये बकरा है, इसके जो बाल और स्केयर बता रहे हैं कि नॉर्मल बकरा नहीं है। और इसकी जो सबसे खास बात पता है क्या है? क्या है? किसके दो सिंह है, खास बात है ना यार। अच्छा एक होती फिर चार भी हैं दुम्बे के पीछे, चार भी हैं। हाँ खासियत बता रहा हूँ, खासियत ये है कि तुम्हारे मुंह में मिल रहा है। ओहो अच्छा अब जो है एक छोटी बच्चिया भी है, बच्चिया यहाँ पे खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया।
ओ माय गॉड, इसकी हाइट तो देखो भाई, हाइट चेक करें में गोश्त कम मिलेगी। अरे गोश्त को छोड़ो, हाइट देखो यार इसकी, यार वाकई बहुत बहुत लंबा है। ऐसी तो गाय लेकर आते हैं। अच्छा चले, अब तो हमने बहुत सारी यूनिक चीजें आपको दिखा दी हैं। अच्छा, जैसे ये कि भी तो है। नहीं वही बता रहा हूँ। अच्छा। यूनिक चीजें दिखा दी, दो कुआन वाले ऊँट, एक बहुत बड़ी भैंस, और जो है जाफरानी कह रहा हूँ, ये मेरे मुँह से निकल गया, तो ऊँट, हाँ नहीं नहीं जो भी बकरा है, तो सारी चीज। अब ये बेचारा गरीब का बच्चा एक बैठा हुआ, इसको भी दिखा देते हैं। बछिया पाकिस्तानी, बछिया पाकिस्तानी, ये वो बछिया है जो कि हम जो है कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं अक्सर। इसको आप उठाएं, खोलें इसको आप। यार ये एक बात बताओ, ये सिक्योरिटी मेरी किसने बुला ली है? अरे आप उठाओ सिक्योरिटी, तुझे लेने आए होंगे जेल से, भागा हुआ लांडी जेल से। उठा भाई भाई, क्यों उठाऊं ये, क्या बैठी हुई लग रही है? छोटी सी है ना, देख लेंगे ना व्यूअर्स हमारे, इतनी छोटी सी बच्ची है। बेटा ये गुस्सा कर रही है, बछिया है, औरत है भाई, दिमाग दो मिनट में घूमता है इसका। तो जनाब ये था टोटल JDC के इस वक्त तक के जो जानवर यहाँ आए हुए वो हैं। इंशाल्लाह अगर इसके आगे और भी जानवर आएंगे, जरूर जाहिर है जरूर आएंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी कुर्बानी JDC में नहीं होती है। और आज फिर एक जानवर आया, जैसे उसके अलावा मज़ीद और भी अभी यहाँ जानवर आते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे जानवर थे, काफ़ी हेल्दी जानवर थे, बहुत से अपने भी यहाँ पे देखने को मिले हमें। तो ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा आप लोग को एक यूनिक बात बतानी थी मुझे, कि हम लोग अभी फन एंड फूडीज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे काउ कटिंग के ऊपर, कि काउ कटिंग स्किल्स जो होते हैं, टेक्निक जो होती हैं साथ भाई, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंदर आप एक पूरी की पूरी गाय को किस तरह से ज़बा करके पूरी उसकी बोटियां बोटियां बना के कलेजी पकाने, कलेजी पकाने की बात ज्यादा हो गई। आप 10 मिनट में पूरा जानवर निपटा देंगे, अगर आप घर पे भी काटना चाहें तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो 10 मिनट में आप कंप्लीट जानवर काट सकेंगे, कसाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी आपको। लिहाजा काफी गर्मी है, तो चलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह उसी वीडियो पे, और फिर आपको वहाँ पे वो टेक्निक दिखाएंगे। ठीक है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके अल्लाह।